लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों फिलहाल खड़े हैं हम निगाना धाम में रविदास आश्रम निगाना कला तोसाम और दुल्लेड़ी के पास भिवानी से 18 किलोमीटर तोसाम से 8 किलोमीटर और इस निगाना धाम है। यहाँ पर कैंसर शुगर रिसोली काला पीलिया करात इनकी कोई भी 5 पैसे भी दान पात्र में नहीं डलवाए जाते, फ्री में यहाँ पर अरदास लगाई जाती है। रहीमदास महाराज जी यहाँ बैठते हैं और ख़ास करके कैंसर वाले बहुत ज़्यादा ठीक हो रहे हैं भाई, और ये मैं नहीं ये रोगी कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं जो ठीक होने वाले हैं। मेरे पास एक बहन खड़ी है, इनसे बात करेंगे। ये कैंसर की मरीज है 2-3 साल से और यहाँ कितनी बार आई है, इनको इनसे पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से हैं बहन जी आप? मैं दिल्ली कराले से हूँ। दिल्ली से? कराले जी। नाम क्या है आपका? कमलेश देवी। कमलेश देवी, तो कैंसर कितने दिन से था? मेरा 3 साल से। 3 साल 19 में होया, फिर 1 साल ठीक हुई, फिर 20 में होया, फिर 1 साल ठीक रही, तीसरी बार फिर हो गया। तीसरी बार फिर हो गया। जिम में था। अच्छा, ओहो। तो देखना आप नज़दीक से दिखाना कितना, ये देखिए ऑपरेशन हुए हुए इनके, कीमो वगैरह 18 टाके आए हुए हैं और बहुत गले के अंदर जीभ के अंदर बहुत खतरनाक ढंग से। तो अब यहाँ आप कितनी बार आ चुकी? मैं यहाँ 3 बार आ चुकी। 3 बार आ चुकी। हाँ, मेरे पिछले महीने में भाई रिपोर्ट ओके थी, भैया ओके है, अब नहीं है, हमने खत्म कर दिया, 99% खत्म है, 1% भी चांस नहीं है भाई। पहले तो अब यहाँ मान लो आप 3 बार आ चुकी, इसमें कितना महसूस किया आपने कि भाई बिल्कुल ठीक होगी लगभग? देखो जी बताओ, मैं क्या बताऊं, जब मेरी ना होगा आगे, जब आगे पता नहीं होगा। हाँ, यानी आगे नहीं होगा, इसलिए आ रही है अब, आगे नहीं हो तो वैन्यू का भाई ठीक होगी। मैं नहीं हूँ भाई, सबकी सुन कर मैं आई हूँ। मैं तो बताया तो आप अपने घर वालों का किसी का नंबर बता देंगे, फोन नंबर? हाँ बता दूंगी, 99-71-444-860। एक बार और बता दो, 99-71-444-860। ये बहन जी के परिवार का नंबर है भाई किसी का, आप बातें कर सकते हैं। और कैंसर के मरीज बहुत से रोगी आज आए हुए हैं, उन सभी से बात करूंगा। आज की वीडियो स्पेशल कैंसर वालों की होगी, कैंसर वालों से बातें करवाऊंगा आपकी। तो आइए दूसरे मरीज से मिलवाने जा रहा हूं मैं आपको। तो एक और गुड़िया हमारे पास खड़ी है, इनसे बातें करते हैं। इनको भी कैंसर थी, ब्लड कैंसर बल्कि, और एक पिछली वीडियो में भी आपने इनसे देखी होगी। तो ये हर बार आते हैं, अब पूछते हैं इनका फुल रिजल्ट क्या है। नाम क्या है आपका? बंटी रानी। बंटी, कहाँ से हैं आप? बापोड़ा से। बापोड़ा से, बापोड़ा से हैं। तो आपको क्या तकलीफ थी? सच मेरे को ब्लड कैंसर थी। ब्लड कैंसर, तो कहाँ घोषणा की थी, किस हॉस्पिटल में, किस डॉक्टर ने बताई थी, कहाँ बताई थी? हिसार से। हिसार से, हाँ। कितनी साल से थी आपको ब्लड कैंसर? साल से तो नहीं, बस अभी थे 5-6 महीने से। 5-6 महीने से थी, हाँ। तो आप दवाई कहाँ से लेते थे? मैंने हिसार से भी ली थी और भिवानी से भी ली थी, दोनों जगह से ली। तो दवाई से कुछ आराम हुआ? आराम नहीं ज्यादा, मेरे को ज्यादा दिक्कत ही होती जा रही थी। अच्छा, फिर यहाँ रविदास आश्रम निगाना में आए आप? हाँ। तो यहाँ आने से कितना फर्क हुआ? यहाँ आने से मेरे को बहुत फर्क है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है? हाँ। अब कोई दवाई लेती है कोई? नहीं, किसी चीज प्रकार की नहीं ले रही। बिल्कुल ठीक है, ब्लड कैंसर खत्म है आपका? हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट डॉक्टर से ली थी आपने? पूछा था डॉक्टर ने भाई मेरे ब्लड कैंसर नहीं है, या फिर आपने महसूस किया है? मेरे पास नहीं है रिपोर्ट, रिपोर्ट है मेरे चाचा जी के पास रुद्रपुर। अच्छा, तो अब आपको क्या महसूस हो रहा है, पहले से ज्यादा अच्छा फील हो रहा है या क्या? अच्छा फील हो रहा है मेरे को पहले से बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आप अपने परिवार का किसी का नंबर बताएंगे, पिताजी का, भाई का, चाचा का, किसी का? मेरे पापा का नंबर है 98-122-42-471। एक बार और बताएं, 98-122-42-471। अच्छा, इनकी माँ जी है, आइए आइए आप आइए, इनसे पूछती है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि पहले से कितना आराम है? कितना सारा आराम है जी? सारा आराम है? हाँ, सारा ही बिल्कुल ही। अच्छा, इनके पापा भी आए हुए? 17 साल से मेरा टीके लागे थे। आपको भी टीके लागे? हाँ, थे क्या क्या टीके लागे थे आपके? मेरा दर्द रहा करता है, दर्द रहा करता पेट में। पेट में? हाँ। अच्छा, तो यहाँ आने से आप दर्द भी ठीक हो गया पेट का आपका? बिल्कुल। हाँ, ना तो टीका नहीं लग गया करता, ना तो उठे ना जा करता, मरे बरबर जाया करते, यानी बिना इंजेक्शन के उठा नहीं जा करता। अरीब कोई दिक्कत नहीं? कोई नहीं, दवाई पानी कोई टिक्का टक्का नहीं। तो यहाँ कोई मतलब क्या दवाई दी जाती है या क्या किया जाता है? दवाई नहीं, अरदास से ही ठीक हो गया। अरदास लगाई जाती है? तो अरदास से यहाँ पर ठीक होते हैं। ये दोनों माँ बेटी थी, इनके पेट में दर्द था और उनको ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर बहुत खतरनाक चीज होती है,
कैंसर वालों से ही आज मैं बातें करवाने जा रहा हूँ। आइए एक मरीज और है, उनसे और मिलते हैं। तो एक और ताऊ खड़ा है यहाँ निगाना धाम में, इनसे इनको भी कैंसर बता रहे थे, इनसे पूछते हैं। राम राम ताऊ। राम राम जी। कौन सा गांव है आपका? बापोड़ा जी। बापोड़ा? हाँ जी। हाँ, बापोड़ा नजदीक पड़ता है यहाँ से। हाँ जी। अच्छा, तो नाम के आपका? जयपाल से जी। जयपाल, तो आपको क्या तकलीफ थी? मेरा कैंसर बताई थी जी, मुंह में। मुंह में कैंसर बताई थी? कहाँ बताई थी? रोहतक बताई थी। रोहतक? हाँ जी। तो वहाँ से दवाई वगैरह ली आपने कुछ? पहले कई दिन पहले ली थी जी। अच्छा, फिर? कुछ आराम नहीं आया जी। अच्छा, अब यहाँ कितने दिन हो गए आते हुए? यहाँ जी 7-8 महीने रोज हो गया। अच्छा, तो फिर कितना आराम है? दो ऐसे आराम है जी, है सब दर्द है। दो शंग आराम हो गया? हाँ। यानी के 70% मान के चलना अभी? हाँ जी। 70% आराम है आपके? आराम है। दर्द में आराम से के रोटी खान पीन में को किस तरह के आराम लग गया? दर्द में आराम से जी, खाना पीना भी थोड़ा बहुत करूँ हूँ। अच्छा। हाँ जी। यूँ लग गया है उरा आते ठीक से? हाँ। दवाई छोड़ दी आपने? बिल्कुल छोड़ दी दवाई, छोड़ दी। हाँ जी। तो कैंसर वालों के देखिए, यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं, कैंसर वालों की रिपोर्ट बहुत बड़ी आ रही है, ओके रिपोर्ट आ रही है यहाँ पर। तो फोन नंबर याद से था? फोन नंबर से आज कौन ले आ जाऊंगा। अच्छा, चलो नजदीक कर लीजिए। तो एक और ताई खड़ी मार दो रहे, इसके भी भाई कैंसर थी पेट में, इतनी बड़ी गांठ थी, रिसोली थी, कैंसर थी। पूछा ये बताया करे। राम राम ताई। हाँ, राम राम भाई। के नाम तेरा? मेरा कृष्णा। कृष्णा, कौन सा गांव से? बापोड़ा। बापोड़ा, आज बापूडा ज्यादा मिले हैं तो, हाँ अब नजदीक रह गया बापूडा। हाँ। तो बापूडा तो डॉक्टर के दौर जाने की जरूरत को नहीं। क्या तकलीफ थी ताई तेरे? मेरे पेट में गांठ थी। पेट में गांठ थी, कितनी बड़ी थी? अच्छी बड़ी सारी थी। शेर पक्की थी? शेर पक्की कौन थी, छोटी थी। अच्छा, भाठा सा था? अच्छा, भाठा सा था। तो दवाई जो लिया कर दी? दवाई ली थी, बहनी गई थी। अच्छा, उस तो पंगल गई ना, तो नाट के नोले कौन देवा दवाई है, फिर दवाई देन दे नाट के। हां, रोहतक जा। रोहतक जा, फिर अगरवा गई, अगरवा मेडिकल है। अच्छा, मुड़ो मेरा पहले ऑपरेशन हो रहा था 10 साल पहले, फिर आओ गई तो मैं भी नोले रोहतक जा। रोहतक गई कौन तू? फिर मैं रोहतक गई। अच्छा, रोहतक वाले नोले टेस्ट लेंगे। टेस्ट में कौन दूं मैं? अच्छा, मैं अपना घर आ जाऊंगी। नुगा टेस्ट लेगी? हां, मां घर आए मर जाएंगी, मरूंगी काट की गेरो गेरो। अच्छा, टेस्ट कौन करवाया फिर? ना कोई करवाया मैंने। अच्छा, फिर उरा आएगी? फिर उरा आई हूं। कितनी दिन हो गए उरा आंदी तने? आए दस ना 3 दिन ना लोत हो गए होंगे। हां, अच्छा बतानी है और सुतने बचते याद तेरे को नहीं? मेरे याद कौन नहीं। अच्छा, चल न्यू बता दे तू ही। हाँ। पूरा आन तो ठीक होई के? आड़े आन तो ठीक होई। हाँ। दवाई तो बंद कर दी, दवाई तो ली। अच्छा, कोनी। अच्छा। बिल्कुल ठीक होगी? बिल्कुल, तो बिल्कुल ही होगी, थोड़ी बहुत तो शिकायत से और हो जाएगी ठीक ही वेले। अच्छा अच्छा, फोन नंबर याद से तरह करके आ किसी का? फोन नंबर यो खड़े या कर लेगी। अच्छा अच्छा, चलो। तो देखिए, कैंसर के मरीज बहुत ठीक हो रहे हैं, और भी कैंसर के मरीजों से मिलवा रहा हूँ मैं आपको। तो आइए दूसरा मरीज और आता है भाई। एक और ताई हमारे बीच में बैठी है निगाना धाम में, इसने पूछेंगे कड़ ताई है के तकलीफ से। राम राम ताई। राम राम। कौन सा काम है? बड्डी बहू। बड्डी बहू। हाँ। के तकलीफ से आपके? मेरे गोड्डे दुखा करते, बुखार नहीं उतरा करता, 1 साल हो गया था। 1 साल तो बुखार नहीं उतरा? हाँ। दवाई दुई लिया करती? हाँ, दवाई बहुत ली, बुखार उतरा ही नहीं। बस एक सुआ लगाते जब उतर जाता 2 घंटे फिर चढ़ जाता उल्टा। अच्छा। भड़क बहुत गणी थी। अच्छा। करीब एक बिना हो गया, कोई मैं गोली नहीं लेती क्या है की भी। अच्छा। हाँ, नींद नहीं आ करती, मैं नींद की भी गोली लिया करती। अच्छा। कोई तो गोली नहीं लेती। हाँ। और बैठा नहीं जा करता मेरे पास लाथी मार की बैठ गई। हाँ। बुखार चढ़ दी को ना? कोई बुखार नहीं ना मेरा भड़क। तो उरे दवाई दुई दी के ना? तो आज नाम लिखवा से नाड़ी में आज दिखाई सी है। अच्छा, तो पूरा कै बराली? और तीसरा की तीसरा। हाँ। तो आई उस दिन तो रास्ता ही कितना फर्क से? सारा ही फर्क से, बिल्कुल बुखार चढ़ दी नहीं। गोड्डे कौन दुख दे? कुछ नहीं दुखता, बताऊं न्यू बैठे नहीं सकूं थी जिस तरह ही न्यू बैठी। अच्छा अच्छा अच्छा, न्यू तो सिर्फ अरदास लान तो हो गया? अरदास लान तो हो गया, भगवान मिल गए। अच्छा, भगवान मिल गए। तो न्यू बताता ही दवाइया तो कोने राम हो, अरदास तो हो गया। हाँ। ये लोग जचे तो कोनिया बात?
ना जचो किसी को, मेरा तो दर्द नहीं, मेरा तो जचरी है। तेरा जचगी? हाँ। तेरी बीमारी कट गई? मन तो भगवान मिला, मेरा तो जचगी। हाँ। और लोगों का क्या करना। तो देखिए निगाना दाम में हर तरह के रोग यहाँ ठीक होते हैं लगभग। मैं मेरी वीडियो आप हर रोज देखते हैं, जनता के बीच में बैठ के पूछते हैं। बरताई नाम के है? बरतो। बरतो फोन नंबर तो क्या याद होगा तेरे घर के ना? कौन याद है? तो ये ताई बरतो बड़ी बहू की भाई, और बड़ी बहू मेरे ख्याल है कड़ेसी पड़े है या रोहतक दौरा? रोहतक के दौरा पड़ा है। बहू कई से छोटी बहू बड़ी बहू रे बहु की माँ साड़ी सी झज्जर खानी कई बहू है। तो हाँ, तो बहु कई हैं, जैसे निगाना, ये निगाना कला है, निगाना खुर्द है, एक निगाना कला नौर दौरा भी पड़ा है। लेकिन ये निगाना तो शाम के पास पड़ता है, निगाना दुल्लेड़ी डाणी माऊ। तो यहाँ पर ये ताई का भाई बुखार एक साल ताई कौन टूटा राड़ांदी टूट गया, ठीक होगी। कैंसर ठीक होता है, शुगर ठीक होती है, एलर्जी ठीक होती है, काला पीलिया ठीक होता है, कराहत ठीक होती है। और भाई ये दान पात्र सामने रखा, इसके ऊपर लिख रखा कैंसर रिसोड़ी के मरीज ये दान न करें भाई, कोई पैसा नहीं लगता यहाँ पर, सिर्फ अरदास लगती है। बीपी भी बहुत गणा था, बीपी बहुत गणा था। हाँ, बीपी तो बहु कारण हो जाएगा तेरे। 300 बहू मेरा तो एक बहू से वाय। अच्छा, वाय बीपी करते है ना? वाय बढ़िया बहू, बढ़िया बहू से। अच्छा चलो, एक बुढ़ी मिली है जो बहू ने बढ़िया बताओ है, बढ़िया बहू से मैं ना कर दी कि मैं। अच्छा हाँ, वही करो जो कुछ। चलो बहुत अच्छा ताई, बहुत अच्छा भाई। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि और किसी दुखी आदमी की देखे तो वो या धाम में आके अपना रोग कटवा सके। तो भाई यहाँ पर रविदास आश्रम में कोई फीस नहीं ली जाती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है, बल्कि यहाँ पर हमेशा भंडारा चलता रहता है आप लोगों की दया से। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। जय हिंद, नमस्कार।